मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, आई नो नॉट विद वॉट वेपन्स वर्ल्ड वॉर थ्री विल बी फॉट बट वर्ल्ड वॉर फोर विल बी फॉट विद स्टिक्स एंड स्टोन्स। उनकी प्रेडिक्शन की एक झलक शायद हमें 15 जून की रात गलवान घाटी में दिख गई है। चाइना ने अपने मीडिया के जरिए बहुत जोर शोर से प्रोपोगंडा फैलाने लगा कि भारत के 20 जवान शहीद हो चुके हैं और चाइनीज सैनिकों में हताहत होने की कोई खबर नहीं। भारतीय सरकार ने एज यूजुअल अपनी सहनशीलता दिखाई और अपने 20 जवानों की वीरगति की खबर पब्लिश किया, लेकिन चाइनीज सैनिकों के हताहत के बारे में चुप्पी साधी रही। लेकिन भारतीय नागरिकों को पूरा अधिकार है कि वो सच्चाई को जाने कि कितने चीनी सैनिकों को उस दिन मौत के घाट उतार दिया गया था, ताकि हमारे वीरों की कहानी हर घर में हर गली में गूंजे। लेकिन मैं यहाँ जज्बाती होके इमोशनल कहानी सुनाने नहीं आया हूँ। मैं आपको फैक्ट्स, फिगर्स और प्रूफ के साथ 15 जून रात की सच्चाई बताने आया हूँ। मेरा पहला सेट ऑफ प्रूफ्स चाइनीज न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और चाइनीज सोशल मीडिया पोस्ट्स हैं, और मेरे दूसरे सेट्स ऑफ प्रूफ्स फोटोग्राफ्स हैं। वीडियो बीच में स्किप मत करिए, नहीं तो पूरा समझ नहीं पाएंगे। 26 जून 2020 को चाइना के एक ब्लॉग पोस्ट के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है। इस ब्लॉग में 38 चाइनीज सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं जो 15 जून के झड़प के रात गलवान घाटी में मारे गए थे। उनके नाम के साथ साथ वो चाइना के किस प्रोविंस से बिलोंग करते हैं वो भी लिखा हुआ है। स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में चाइनीज पोस्ट का स्क्रीनशॉट है और राइट हैंड साइड में गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट किया हुआ इंग्लिश वर्जन है जिसे आप पढ़ पाएंगे। 100% करेक्ट ट्रांसलेशन तो नहीं हुआ है, बट पढ़ने लायक ट्रांसलेट हो गया है। अब ये लिस्ट कितना ऑथेंटिक है, चलिए ये देख लेते हैं। इस लिस्ट के ऊपर बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च किया है मिस्टर आदिल ब्राज जी ने, जो बीबीसी के रिपोर्टर रह चुके हैं। उन्होंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक्स रिवील किए हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। इस लिस्ट में जो सेकेंड नाम है वो है वांग शोबाई की। चाइना के एक दूसरे डिफेंस रिलेटेड ब्लॉग में वांग शोबाई का जिक्र मिलता है। इसमें लिखा हुआ है कि वांग ह्यूनान प्रोविंस में रहते थे। उनकी मौत की खबर जब उनके घरवाले तक पहुंची, तब उनके पिता ने बेटे की अंतिम संस्कार धूमधाम से करना चाहा। लेकिन वहां के पॉलिटिकल कमिश्नर हु येफई ने कहा कि बेटे की अंतिम संस्कार को चुपचाप से करना है। लेकिन उस दौरान भारतीय सेना की अंतिम संस्कार उचित सम्मान के साथ हो रही थी। वैंग के घर वालों ने दावा किया कि वैंग की अंतिम संस्कार भी उचित सम्मान के साथ होना चाहिए। चाइनीज गवर्नमेंट ने कोई रिस्क नहीं ली और वांग का अंतिम संस्कार कर दिया। वैंग के फैमिली ने जब उसकी बॉडी मांगी तो उनको बताया गया कि हालात के वजह से वैंग का अंतिम संस्कार हो चुका है और अस्थियां वहीं पर दफना दिया गया है। वैंग के पिता ने सुपीरियर मिलिट्री ऑफिसर से रिक्वेस्ट किया कि वैंग की अस्थियां उनके गांव में ले आने की इजाज़त मिले, हालांकि वो इजाज़त भी उनको मिला नहीं। इसका जिक्र हमें चाइना का एक वेबसाइट साउंड ऑफ होप में भी मिलता है। 25 जून का एक आर्टिकल गलवान क्लैश के ऊपर लिखा गया है इस वेबसाइट में। यहां पे कहा गया है कि इट वॉज रिपोर्टेड ऑन द इंटरनेट दैट द फैमिलीज ऑफ द सोल्जर्स killed in front line in the Chinese side were told that they could only be buried in secret and the government would pay more. This incident detonated the anger of netizens. मतलब ये है कि मारे गए चीनियों का अंतिम संस्कार चुपचाप करना है ताकि खबर कहीं ना फैले, और इसके बदले में इनको जितना इंश्योरेंस कवर लागू है उससे ज़्यादा पेमेंट करेगी चीनी सरकार। देखिए यहाँ दोबारा पॉलिटिकल कमिश्नर हु येफई का जिक्र है, जहाँ वो कह रहे हैं कि फ्यूनरल मस्ट बी केप्ट अ सीक्रेट एंड जो शहीद हुए हैं उनका पेंशन और दूसरे बेनिफिट्स का ख्याल रखा जाएगा। हु येफई के ऊपर हमने सर्च किया तो उनका ये फोटो हाथ लगा
जहां वो मिलिट्री रिक्रूट्स को पढ़ा रहे हैं। इस बर्ताव से काफी चीनी सिटीजन्स का गुस्सा बाहर आया है। उन्होंने यहां लिखा है, इंडियंस डाइड लाइक हीरोज एंड चाइनीज डाइड लाइक एनिमल्स। यहां हर सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है क्योंकि यह वेब पेज चाइनीज में था जिसको गूगल ट्रांसलेटर के मदद से इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है। चलिए वापस चलते हैं उस लिस्ट में। इस लिस्ट का जो 16th नाम है वो है यांग हाइताओ का। इनका पहला जिक्र एक पीएलए का लेटर में और दूसरा एक चाइनीज वेबसाइट में मिलता है जहां उनको बटालियन कमांडर कहा गया है। चाइना की तरफ से जो एक कमांडिंग ऑफिसर की मौत की खबर आई थी, शायद वो यही है। लिस्ट में जो एक और नाम है वो है जैंग जी का, जो एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर थे और टिबेट मिलिट्री रीजन में पोस्टेड थे। उनका मिलिट्री आईडी नंबर था 15636। वो एक डिफेंस ब्लॉग में 2015 तक रेगुलरली लिखते थे। वो 53 इन्फेंट्री ब्रिगेड जो टिबेट में स्थित है वहां पोस्टेड थे। चलिए 15 जून सुबह की कुछ फोटोग्राफ्स देख लेते हैं। ये फोटोग्राफ चाइनीज सोशल मीडिया वीबो से लिया गया है। चाइना में ट्विटर बैंड है और उसके जगह वीबो चलता है। इसमें देखा जा रहा है कि एक सीनियर आर्मी ऑफिसर फ्लैग दे रहे हैं। चाइनीज आर्मी में ये तब होता है जब कोई नई ट्रूप्स किसी एरिया में नई नई इंडक्ट होकर आती है। 15 जून के झड़प में शामिल भारतीय सेना ने जो स्टेटमेंट दिया था उससे पता चला था कि जिस चाइनीज सेना से उनकी सामना हुई थी वो 13 जून तक वहां नहीं थे। तो 15 जून के ऑपरेशन के लिए नए ट्रूप्स वहां बुलाए गए थे। तो फोटोग्राफ के साथ ये घटना सीधी कनेक्ट हो जाती है। इसी घटना के दो अलग फोटोज साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट और एक दूसरे ब्लॉग में भी पाया गया है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि सेंटर में जो ये बंदा खड़ा है उसके टी शर्ट में MMA लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि इंडिविजुअल किसी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का ट्रेनर है और वो डंडे के सहारे लड़ना सिखा रहा है। चाइनीज आर्मी को पता थी कि गलवान घाटी में गोली चलाया नहीं जा सकता है, तो पीठ पीछे अगर छुरा घोपना ही है तो वो डंडे और पत्थर के सहारे ही हो सकता है। अब इस घटना को हम एक न्यूज़पेपर आर्टिकल से कनेक्ट करेंगे। ये स्क्रीनशॉट द स्ट्रेट्स टाइम न्यूज़पेपर की है, जो सिंगापुर का न्यूज़पेपर है। 28 जून की एक आर्टिकल में छपा है कि 15 जून के झड़प से पहले चाइनीज आर्मी ने मार्शल आर्ट फाइटर्स और पहाड़ चढ़ने वालों को इंडियन बॉर्डर के नजदीकी इलाके में शामिल किया है। थर्ड पैराग्राफ में लिखा है कि 15 जून की सुबह लासा में 5 नए मिलिट्री डिविजन्स की इंस्पेक्शन हुई थी, जिसमें माउंट एवरेस्ट ओलंपिक टॉर्च रिले की टीम और एक मिस्ट मार्शल आर्ट्स क्लब के मेंबर्स शामिल थे। इस पेज में लिखा है कि उस दिन 100 के कतार में नए सैनिक देखे गए। सेकंड पैरा पढ़ के ये पता चलता है कि जिस मार्शल आर्ट क्लब का जिक्र हो रहा था उसका नाम एनबो फाइट क्लब है। गलवान घाटी में जिस चीज को लेकर झड़प शुरू हुई थी वो है एक वॉच टावर या ऑब्जर्वेशन पोस्ट और एक टेम्पररी शेल्टर। ये फोटोज 9 जून की है और थर्मल इमेजिंग डिवाइस से खींची गई है। रात के अंधेरे में ऑब्जेक्ट टेम्परेचर को सेंस करके थर्मल इमेजर फोटो खींच लेता है। 13 जून को कर्नल संतोष बाबू का चीनी ऑथोरिटीज से बात होने के बाद ये दो स्ट्रक्चर्स वहां से हट गए थे। लेकिन जब पुराने चीनी सोल्जर्स को हटा के वहां नए चीनी सैनिक लाए गए तो उन्होंने वहां वापस दो स्ट्रक्चर्स खड़ी कर दी। कर्नल संतोष बाबू को लगा कि सिचुएशन सीरियस हो रहा है, तो वो बातचीत के लिए गए और जाते ही वो चौंक गए कि कोई भी चेहरा पुरानी नहीं है। चीनी सैनिकों ने कर्नल बाबू के साथ बदसलूकी करी। भारतीय सेना में कर्नल का औधा पिता समान होता है। भारतीय सैनिकों का खून खौल उठा और उन्होंने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। उस रात 3 फेजेस में लड़ाई हुई थी। भारतीय सेना की इन्फेंट्री और आर्टिलरी के सैनिकों ने खाली हाथों से चीनी नौकीले डंडों की सामना करी।
भारतीय सेना की बहादुरी देख के चीनी शिविर में कहर फैल गया। उसके बाद जब भारत की घातक प्लाटून आई, तब चीनी सैनिकों ने मौत का तांडव देखा। चीनी सैनिकों से नौकेले हथियार छीन ली गई और उन्हीं पर वार किया गया। चीनियों को इतना मारा गया कि किसी के पैर कट गए तो किसी के हाथ, 18 बंदों की गर्दन लटक गई। किसी किसी का तो ये तक पता नहीं चल पा रहा था कि ये सर कौन सी शरीर का है। कुछ चीनियों का शकल तो पत्थरों से मार मार के ऐसे कुचल दिया गया कि वो पहचानने के काबिल नहीं रहे। चीनी सरकार ने भारतीय सरकार से परमिशन लेकर अपनी एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर लैंड करी। जब वो अपनी घायल साथियों को उठाने आए तो वो तंग रह गए। बगल के नदी नालों में चारों तरफ चीनी लाशें बिछी हुई थी। कुछ घायल सैनिक वहीं पे दम तोड़ दिए तो कुछ चाइना के हॉस्पिटल में दम तोड़ दिए। ये रेस्क्यू ऑपरेशन रात तक खत्म नहीं हो पाई थी तो सुबह भी चली। कुछ चीनी सैनिकों का भी फर्स्ट एड इंडियन सोल्जर्स ने किया था, क्योंकि हम दुश्मनी में भी इंसानियत को कभी नहीं भूलते हैं। भारत के जो जवान शहीद हुए उनमें से एक थे सिपाही गुरतेज सिंह। उनकी बहादुरी की कहानी इंडिया तो क्या, चाइना भी कभी नहीं भूल पाएगी। सिपाही गुरतेज सिर्फ 23 साल के थे और अकेले 12 चीनी को मार डाला। आई विटनेसेस ने स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने इकट्ठे 4 चीनी सैनिकों को उठाकर पहाड़ से नीचे गिरा दिया था और आखिर में वीरगति को प्राप्त हो गए। चाइना में इंडिया की तरह प्रेस और मीडिया का कोई फ्रीडम नहीं है। चाइनीज सरकार के तरफ से जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है वो ग्लोबल टाइम्स के जरिए दुनिया के सामने आती है। 24 जून के एडिशन में उनके चीफ एडिटर हू सीजिन, जो पहले चीनी आर्मी में रह चुके हैं, उन्होंने एक गलती कर दी। सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने लिख डाला कि चीनी सरकार ने अपने मृत सैनिकों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन पब्लिश नहीं करी है, और मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि अगर ये खबर बाहर आ जाती है तो दोनों देशों के जनता में हलचल मच जाएगी। मुझे पूरी विश्वास है कि मृत सैनिकों का अंतिम संस्कार पूरी सम्मान के साथ हुआ है और उनकी खबर सटीक समय पर निकाली जाएगी ताकि वीर सैनिकों का सम्मान हो सके। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी गलती से एडमिट कर ही लिया कि चाइनीज साइड में कैजुअल्टी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि मृतकों की संख्या बाहर नहीं ला सकते, नहीं तो जनता भड़क उठेगी। एक आर्टिकल से ये भी जानकारी मिलती है कि जनरल जाओ जोंगकी, जो वेस्टर्न थिएटर के कमांडर हैं, उन्होंने ये ऑपरेशन का अप्रूवल दिया था। 15 जून का डेट शायद उन्होंने इसीलिए चुना था क्योंकि उस दिन चीनी प्रेसिडेंट सी जिनपिंग का जन्मदिन था। सीनियर्स को खुश करने का मौका जनरल ने बिल्कुल नहीं छोड़ा। लेकिन उनको कहां पता थी कि गेम का रिजल्ट 20:40 हो जाएगी।